एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ विनय पांडे। टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स का नेक्स्ट वीडियो, आज का जो वीडियो बेस्ड है वो, क्योंकि लास्ट जो वीडियो हमने किया था वो क्लोज्ड सेट्स पे किया हुआ था, काफ़ी डिटेल में क्लोज सेट्स के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। तो आज का जो वीडियो बेस्ड है वो क्लोज सेट्स की जो मेन थ्योरम्स हैं, जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछी जाती है और जो आगे के वीडियोज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उनका प्रूफ हम वन बाय वन लिखेंगे। सारे थ्योरम्स का जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैंने एक साथ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बात करें क्लोज सेट्स की, तो क्लोज सेट किसी भी सेट ए को हमने क्लोज्ड कब बोला था, जब इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे वो कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा था, ओपन आ रहा था। और किसी भी सेट को ओपन कब बोल रहे थे हम, जब ये नेबरहुड था ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। किसी भी सेट को ओपन कब कहा था, जब वो अपने अंदर के जितने वो पॉइंट्स कंटेन कर रहा है उन पॉइंट्स के लिए, हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड है, तो उस सेट को हमने ओपन बोला था। तो कोई भी सेट अगर ओपन होता है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्लोज्ड होगा, या कोई भी सेट अगर क्लोज्ड होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। और नेबरहुड क्या था, ये सारी वीडियोज आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के सीक्वेंस में इन वीडियोज के लिंक से जो पुराने वीडियोज हैं वो देख सकते हैं। नेबरहुड की बात करें तो किसी भी पॉइंट को हम कैसे चेक करते थे कि वो किसी सेट का नेबरहुड है या नहीं है, तो उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक कोई भी ओपन इंटरवल अगर किसी सेट के अंदर आ रहा है या उसका सबसेट है, तो उस पॉइंट, उस सेट को हम उस पर्टिकुलर पॉइंट का नेबरहुड कहते हैं। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को फोकस करते हुए, इन्हीं पॉइंट्स को रिमाइंड करते हुए इन थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे हम आज। देखिए पहली थ्योरम क्या है कि द यूनियन ऑफ टू क्लोज्ड सेट्स इज अ क्लोज्ड सेट। तो लेट ए एंड बी आर टू क्लोज्ड सेट्स। अगर कोई भी दो सेट्स या कोई भी सेट क्लोज्ड है तो इट मीन्स द कॉम्प्लीमेंट विल बी ओपन, तभी वो क्लोज्ड सेट होगा। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर ओपन सेट्स। तो बात करें दो ओपन सेट्स की, तो क्योंकि ये प्रूफ मैं पहले करा चुका हूँ तो उनका यहाँ पे यूज़ डायरेक्टली कर रहा हूँ। दो ओपन सेट्स का अगर हम यूनियन इंटरसेक्शन निकाल रहे थे, वो इंटरसेक्शन भी ओपन सेट आ रहा था। तो क्योंकि ये दोनों ओपन सेट्स हैं तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। क्यों? सिंस इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ऑलवेज ओपन। और डी मॉर्गन थ्योरम आपने पढ़ी है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो उसको यूनियन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन फॉर्मूला 11th क्लास का वो यूज़ किया मैंने। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, तो अगर कोई भी सेट ओपन आता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो इसका अगर हम इसका इस पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट बनेगा क्या, इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट बनेंगे तो ए यूनियन बी बन जाएगा, क्योंकि ये ओपन था तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो हमने दो क्लोज्ड सेट्स लिए और उन दोनों क्लोज्ड सेट्स का यूनियन भी क्या आ रहा है, क्लोज्ड आ रहा है, ये यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया। तो काफ़ी इजी थ्योरम है ये। सेकंड थ्योरम पे आते हैं। सेकंड थ्योरम में अगर आप पहली थ्योरम का प्रूफ समझ गए हैं तो सेकंड थ्योरम ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है कि द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज अ क्लोज्ड सेट। तो अब यहाँ पे हमको दो से ज़्यादा क्लोज सेट्स लेने हैं लेकिन फाइनाइट लेने हैं, A1, A2 से लेकर के AN। हमने क्या ले लिए, क्लोज्ड सेट्स ले लिए। अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ इसको उसी तरीके से। अगर ये क्लोज्ड हैं तो इनका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्स क्या होंगे, ओपन सेट्स हो जाएंगे, क्योंकि ये फाइनाइट है। तो फाइनाइट ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी ओपन आता है। तो ये A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन AN कॉम्प्लीमेंट, दिस अगेन विल बी एन ओपन सेट। अब ये इनका इंटरसेक्शन भी ओपन सेट आता है। ये प्रॉपर्टी मैंने जो यूज़ करी है प्रीवियस वीडियोस में प्रूफ कराया हुआ है। डी मॉर्गन थ्योरम का यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा A1 यूनियन A2 से लेकर के AN
होल कॉम्प्लीमेंट ये भी क्या हो जाएगा, ओपन सेट। तो इसी सेट को मैंने डी मॉर्गन प्रॉपर्टी लगा करके चेंज करके लिख दिया। ये जो पूरा एक कंप्लीट सेट आ रहा है ये ओपन सेट आ रहा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा ए वन यूनियन ए टू से लेकर के ए एन। ये कैसा सेट हो जाएगा, क्लोज सेट, बिकॉज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ओपन सेट इज ऑलवेज अ क्लोज सेट, इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया। तो फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स हमने लिए, तो इन सब क्लोज सेट्स का अगर हम यूनियन निकाल रहे हैं तो वो भी क्या आ रहा है, क्लोज सेट आ रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, अगर आप कोई भी दो क्लोज सेट्स लेते हैं तो उनका यूनियन भी क्लोज आएगा। अगर आप दो से ज़्यादा फाइनाइट नंबर ऑफ, जैसे पांच क्लोज सेट्स आपने ले लिए, तो उनका जो यूनियन आप बनाएंगे तो वो भी क्या आएगा, क्लोज सेट आएगा। ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, अब इसको ध्यान से समझना है आपको। थर्ड में क्या है, द यूनियन ऑफ एन इनफाइनाइट फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स नीड नॉट बी अ क्लोज सेट। देखिए, दो का यूनियन क्लोज आ रहा था, दो क्लोज का यूनियन क्लोज आ रहा था, फाइनाइट क्लोज सेट्स का यूनियन भी क्लोज आ रहा था। लेकिन इस केस में आपको ये प्रूफ करना है कि अगर बहुत सारे क्लोज सेट्स हैं, लेकिन उन बहुत सारे क्लोज सेट्स में वो सेट्स क्या, इनफाइनाइट सेट्स होने चाहिए। तो आपने बहुत सारे सेट्स लिए और वो सारे के सारे क्लोज सेट्स हैं, फाइनाइट नहीं है, तो उनका जो यूनियन आएगा वो क्लोज्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आपको कोई नहीं होने वाला यहाँ पे कोई एग्जांपल दिखाना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है जो मैं एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूँ। हम मान लेते हैं लेट ए एन इक्वल टू, एक जो क्लोज सेट में मान रहा हूँ इसको आपको याद रखना है, वन अपॉन एन, वेर एन इज अ नेचुरल नंबर। इस सेट को आप ध्यान से देखिए और इससे हम अलग अलग सेट्स बनाते हैं। जैसे हमने ए वन की बात करी तो एन की जगह पे वन रखेंगे तो सिर्फ एक एलिमेंट आएगा इसमें वन, और ये कैसा सेट है, क्लोज्ड है। क्यों है क्लोज्ड, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूंगा तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ये दोनों ओपन आ रहे हैं। क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इट मीन्स द सेट ए वन इज क्लोज्ड, तो ये क्लोज सेट हो गया। ये क्लोज सेट है ए टू, ए टू क्या बनेगा यहाँ पे, अब ये इंटरवल की फॉर्म में आएगा, वन बाई टू से लेकर के वन। क्योंकि मैंने आपको इसके जस्ट पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर पहले से इंटरवल क्लोज दिया हुआ है तो आपको उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्लोज होगा। तो ये भी क्लोज है, तो ये भी क्लोज है। ऐसे ए थ्री, ए थ्री क्या होगा, वो होगा वन बाई थ्री से वन, ये भी क्लोज है। ऐसे ए फोर, वन बाई फोर से वन, ये भी क्लोज्ड है। और जैसे जैसे आप इसको इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे तो जो लास्ट जो इंटरवल बनेगा, मैं ऐसे इसको जनरल फॉर्म में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये तो वन रहेगा, लेकिन ये वाला जो जब हम एन की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, ये आ जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी। और यहाँ पर क्योंकि एन की जब वैल्यू हम इन्फिनिटी रखेंगे तो उस केस में ये क्लोज इंटरवल ना होकर के ओपन हो जाएगा, क्योंकि जैसे एन की वैल्यू इन्फिनिटी की वो टेंड होती है, आपको पता होगा ये प्रॉपर्टी कि इन्फिनिटी के केस में वो जो वैल्यू होती है वो ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखी जाती है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये जितने क्लोज सेट्स हमने लिए हैं, इन क्लोज सेट्स को आप देखिए कितने हैं, ये टोटल हैं इनफाइनाइट सेट्स। और जितने सेट्स मैंने लिए हैं सारे के सारे सेट्स के हैं क्लोज्ड है, तो आपको अब इनका यूनियन निकालना है, ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सेट्स हैं। तो आप देखिए पहला वाला इंटरवल तो वन हो गया, दूसरा क्या है, वन बाई टू से वन, ये जीरो हो गया, वन बाई टू से वन यहाँ कहीं होगा हाफ, फिर वन बाई थ्री से वन हो गया रहा है 0.6, ये इस तरीके से, फिर आप ये 0.5 हो गया, ये जो इंटरवल है इस फॉर्म में बनता जा रहा है और लास्ट में जीरो से वन बन जा रहा है। तो आप देखिए जब इनका हम यूनियन निकालेंगे, इन सब का यूनियन निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, ये वाला सेट जीरो। अब बड़े इजीली समझ सकते हैं इसको, मैंने सारे के सारे क्लोज सेट्स का यूनियन लिया तो वो ये सेट आ रहा है। और ये सेट आप देखिए एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज्ड है। इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो का क्लोज इंटरवल, यूनियन वन से इन्फिनिटी। इस सेट पे देखिए आप, क्या ये ओपन सेट है, नहीं है, क्योंकि इसमें क्लोज इंटरवल आ रहा है। तो क्योंकि ये ओपन सेट नहीं है, ओपन सेट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट किसका था, इसका,
इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स ये क्लोज सेट। इसको आप ध्यान से समझिए, ये जो थ्योरम में हमने प्रूफ करना था कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स लिए इनका यूनियन जो है वो क्लोज सेट नहीं आएगा, वो एग्जांपल आपको दिखाना था यहाँ पे। इसका जब मैंने यूनियन लिया, ये क्लोज सेट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं आ रहा है। तो किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट ही ओपन नहीं है, इट मीन्स इट सेल्फ वो सेट क्लोज सेट नहीं होगा। तो हमने देखा यहाँ पे कि इतने जो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स थे, इनका जब हमने यूनियन लिया तो वो क्लोज सेट नहीं आ रहा है। तो इस थ्योरम के प्रूफ के लिए आपको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपको दिखाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। आते हैं लास्ट जो थ्योरम मैंने लिखी हुई यहाँ पे क्लोज सेट्स की। इसमें देखिए आप, द इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट्स इज अ क्लोज सेट, ये तो बहुत इजी है। लेट ए एंड बी आर क्लोज सेट्स। अगर ये दोनों क्लोज हैं तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर ओपन। दो ओपन सेट्स का जो यूनियन होता है वो भी ओपन सेट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0 से 1 और 2 से 3 है, या 1 से 2 में कोई भी एक दो ओपन इंटरवल ले रहा हूँ, इनका यूनियन लेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 0 से 1 ओपन इंटरवल आ गया। तो दो ओपन सेट्स जो हैं, उन दोनों ओपन सेट्स का अगर हम यहाँ पे बात करें, ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है, बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या है? ओपन है। तो दो ओपन सेट्स का जो यूनियन होता है वो भी क्या आता है? ओपन आता है। तो ये एक ओपन सेट बनेगा, और डी मॉर्गन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा और होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये भी क्या है? ओपन। अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेंगे तो वो क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये ओपन है, और इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा? क्लोज्ड बन जाएगा। क्योंकि बार बार आपको मैं एक ही बात पर फोकस कर रहा हूँ कि किसी भी सेट का क्लोज्ड होना या ना होना उसके कॉम्प्लीमेंट के ओपन होने या ना होने पर डिपेंड करता है। तो आपको क्लोज सेट को भी देखने के लिए उसके कॉम्प्लीमेंट का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। तो दो क्लोज सेट्स हमने लिए, उसका जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या आ रहा है? क्लोज सेट आ रहा है। अगर शॉर्ट फॉर्म में इस वीडियो को मैं अगर जनरलाइज करूँ, तो पहले हमने देखा था दो क्लोज सेट्स का जो यूनियन था वो क्लोज आ रहा था। फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स हमने लिए तो उनका यूनियन भी क्लोज आ रहा है, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स हमने लिया तो वो क्लोज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है उसका यूनियन। और इसमें हमने देखा कि दो क्लोज सेट्स अगर हम ले रहे हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? क्लोज सेट आएगा। तो जो टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे डिराइव्ड सेट्स हैं, लिमिट पॉइंट्स हैं, क्लोजर निकालना है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में मैं इनको कराने जा रहा हूँ। रियल एनालिसिस के जो बेस हैं, जो सबसे बेसिक टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम आजकल पढ़ रहे हैं। तो उनको ध्यान से आप कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा।